नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने एक बार फिर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को लगातार दूसरे वनडे मुकाबले में भी हरा दिया। और दोस्तों, इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने इस सीरीज को 2-0 से अजेय बढ़त ले ली है और साथ ही सीरीज को अपने नाम कर लिया। वहीं पर भारतीय टीम की तरफ से पूरी तरह से इस मुकाबले में संघर्ष रहा, लेकिन दोस्तों फिर भी टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन और इसके बाद न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी ने इस मुकाबले को एक बार फिर न्यूजीलैंड के पक्ष में डाल दिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में कि कौन सा खिलाड़ी बना है इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच और साथ ही सबसे बेस्ट प्रदर्शन किस खिलाड़ी का रहा। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाई। लेकिन इसके बावजूद पुचले बल्लेबाजों के साथ रॉस टेलर ने मिलकर शानदार बल्लेबाजी की और टीम का स्कोर 273 तक पहुंचाया। न्यूजीलैंड की तरफ से रॉस टेलर और मार्टिन गप्टिल दोनों ने शानदार अर्धशतकीय पारियां खेली, लेकिन दोस्तों फिर भी भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की युजवेंद्र चहल रविंद्र जडेजा ने, लेकिन टीम इंडिया न्यूजीलैंड को 273 रनों पर रोक पाई। इसके बाद बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की, लेकिन दोस्तों टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फैल रहा, जहाँ भारतीय टीम के दोनों ओपनर ज़्यादा रन नहीं बना पाए, सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए मयंक अग्रवाल। वहीं पर पृथ्वी शॉ एक शानदार स्टार्ट के बाद काफ़ी जल्दी आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली भी बड़ा स्कोर नहीं बना पाए। सुरेश अय्यर और रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। इसके अलावा दोस्तों, नवदीप सैनी ने भी टीम के लिए अहम योगदान दिया। भारत की बल्लेबाजी में सबसे बड़ी साझेदारी नवदीप सैनी और रविंद्र जडेजा ने की, जहां नवदीप सैनी ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 45 रनों का योगदान दिया। वहीं पर रविंद्र जडेजा ने 55 रनों की पारी खेली, लेकिन ये दोनों की बल्लेबाजी भी टीम को जीत नहीं दिला सके। और दोस्तों, आखिरकार टीम इंडिया ये मुकाबला 22 रनों से हार गई और इस मुकाबले के साथ साथ वनडे सीरीज भी गंवा चुकी है। T20 सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया लग रही थी कि वनडे सीरीज में कमाल करेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ और न्यूजीलैंड ने शानदार वापसी करते हुए टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया और एक बार फिर यहां पर सीरीज को अपने नाम किया। वहीं पर दोस्तों, न्यूजीलैंड की तरफ से इस मुकाबले में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी की है, जहां तक बात करें रॉस टेलर और मार्टिन गप्टिल ने, दोनों ने शानदार अर्धशतकीय पारियां खेली और टीम के स्कोर को बड़ा बनाने में कामयाबी हासिल की। वहीं पर दोस्तों, गेंदबाजों की बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और सभी गेंदबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के बल्लेबाजों को ज़्यादा रन नहीं बनाने दिए और शुरुआती विकेट काफ़ी शानदार तरीके से चटकाए। बेनेट, साउथी, जेमिसन, कोलिन डी ग्रैंडहोम को 2-2 विकेट मिले। वहीं पर जेमी निसम ने 1 विकेट चटकाया और टीम इंडिया को 251 रनों पर रोक दिया। वहीं पर दोस्तों, इस मुकाबले की में बेहतरीन प्रदर्शन की बात करें तो रॉस टेलर, मार्टिन गप्टिल और जेमिसन का बेहतरीन प्रदर्शन रहा, जिसके चलते यहां पर इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच चुना गया जेमिसन को। जेमिसन ने यहां पर 2 विकेट चटकाए। वहीं पर दोस्तों, शानदार 25 रनों की पारी के लिए रॉस टेलर के साथ मिलकर, तो जिसके चलते इन्हें अपने पहले ही डेब्यू मुकाबले में यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है टीम इंडिया की हार का क्या कारण रहा इस मुकाबले में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।